क्या बात है, वो लड़ाई होगी, लड़ाई फॉर मी आई एम वेरी एक्सपेंसिव, मैसेज मी ओके। What's up? This is your boy Paras and welcome back in another vlog guys। बहुत दिन के बाद भाई आए हैं हम ब्लॉग लेके, और मेरे भाई यूएस के ट्रिप और यूरोप के ट्रिप सारे मतलब हमने कवर कर लिए, तीन वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटल मैंने कवर कर लिए हैं, जो कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आप नए हो चैनल पे तो। और काफ़ी भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि यार थाईलैंड की ब्लॉगिंग करो वापस स्टार्ट, तो अभी हम भाई थाईलैंड पहुँच चुके हैं। थाईलैंड तो मैं कब से हूँ बट ब्लॉग आज शूट कर रहा हूँ काफी दिन के बाद, और साथ में है हमारे एक भाई, हमारे दोस्त जो कि अमृत, सत श्री अकाल जी सारिया नु, जो कि हमारे भाई हैं अमृतसर से ही हैं बट ये यहाँ पर ही रहते हैं, भाई से काफी दिन के बाद मिले हैं। और भाई आपका नाम? स्मित है मेरा नाम। क्या बात है स्मित, बेसिकली अमृतसर से ही हैं दोनों, हाँ बट 10 साल के बाद थाईलैंड में मिले हैं। क्या बात है मतलब कि भाई जानता था मुझे कब से बट मिले हम बाद में। अभी मैंने जस्ट अपनी यूएस की सीरीज खत्म करी है, तो आप मेरा ना वो जाके सीरीज जरूर देखना यूएस की, उसमें काफी कुछ है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रहा हूँ सारे अपने जो कि मैंने अब तक प्रीवियस ट्रैवल करे हैं। और काफी लोग ना सिर्फ नाइट लाइफ देखते हैं, तो मैं ना इस चैनल पर सिर्फ नाइट लाइफ ही लेके आ रहा हूँ, और आपको दिखाएंगे भाई पार्टीज वगैरह दिखाएंगे। और अगर कोई नया देख रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। तो आज आपको दिखाएंगे भाई पत्तिया की वॉकिंग स्ट्रीट, तो चलते हैं आपको लेके, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी नए नए क्लब्स खुल गए हैं, तो आपको दिखाते हैं, बने रहो वीडियो के साथ। बीच रोड से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, पहले से तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यहाँ पर ना, काफ़ी हो गया, और यहाँ पर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं होती, अलाउड क्या है बना सकते हो बट हम बनाते नहीं है। ये देखो भाई कितना क्राउड है, पहले से बहुत ज़्यादा क्राउड है, और अभी हम जा रहे हैं भाई वॉकिंग सीट की तरफ, और आपको आज वॉकिंग सीट का माहौल दिखाते हैं। अभी बजे हैं 12 और अभी समझो कि स्टार्ट हो गया काम यहाँ पर पार्टी शार्टी वाला। ये देखो वो लड़ाई होगी भाई, ये नॉर्मल है वॉकिंग सीट के अंदर लड़ाई होनी, रशियन लड़ पड़े रशियन के साथ। वो देखो भाई लेके जा रहे हैं उस बंदे को ना उधर, वो देखो। और भाई क्या बात है, क्या नाम है मेरा? सही बात है यार, हम नाम भूल गए, क्या देखा आपने वीडियो, कौन सी वीडियो देखी? अच्छा, और कहाँ से हो? मैं इंदौर से, आरबी 12 से। कोई बात नहीं भाई, कम बैक कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा फिर से। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। या चेक करो हैंड स्टैंड, चेक करो बंदे का भाई, टोटली चेंज हो गया यहाँ का माहौल। और यार जो ये वाला एरिया है ना स्टार्टिंग में, यहाँ पर आपको सारे जो कि अगोगोस वगैरह, और काफी लोगों को अगोगोस का नहीं पता क्या होते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ भाई। अगोगोस होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ भाई डांस करती हैं, अंदर पोल डांस होता है, अंदर की जो वीडियो है ना भाई वो अलाउड नहीं होती, अंदर का दिखा नहीं पाऊंगा माहौल अगोगोस का। और यहाँ पर भाई इंडियन क्लब्स ने बहुत तरक्की कर ली है, एक तो भाई ये जलवा क्लब पीछे, और उसके सामने ही जन्नत क्लब है। चलते हैं भाई कोई एक क्लब में, आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं थोड़ा सा। क्लब से बाहर आ गए, बहुत सारा क्राउड था, तो अंदर की मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना नहीं पाया,
हमारा प्लान बन रहा था बैठने का, बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से हम बाहर आ गए, बहुत जल्द बैठेंगे एंजॉय करेंगे। और अभी जो वॉकिंग सीट के अंदर क्लब्स हैं वो जलवा है, जन्नत है और लीला क्लब है, ये क्लब भाई बहुत चल रहे हैं और कामा क्लब भी है, मतलब ये क्लब वो अल्टीमेट कर दिए अभी फिलहाल। और अगर इंग्लिश क्लबों की बात करें हम तो भाई रिपब्लिक क्लब और मिस्ट क्लब, और यहाँ पर एक नया क्लब खुला है रेड थिएटर, तो वो क्लब मैंने सुना ही है अभी, मैं गया नहीं हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है और ये मेरे पीछे भाई लीला क्लब है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो यार वॉकिंग सीट तो आपको दिखा दी और मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया, और अभी हम आए हैं कि यहाँ पर थाई क्लब, मतलब कि हॉलीवुड क्लब लगा लो, मिस्ट क्लब जो कि अभी बहुत चल रहा है, और ये वाला जो क्लब है ना ये सुबह के 6 बजे तक चलता है क्लब। और अभी हम वो वाली स्ट्रीट में आए हैं, और मेरे पीछे देख सकते हो ये सारे अरेबिक बार हैं, यहाँ पर लोग पूल भी खेलते हैं और साथ में अपनी इंजॉय भी करते हैं टाइम, और ये वाले बार सुबह 6 बजे तक खुले होते हैं। चलते हैं आपको लेके मिस्ट क्लब में और आपको माहौल दिखाते हैं मिस्ट क्लब का। तो जी हम आ गए मिस्ट से भी बाहर, मतलब कि मिस्ट में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाना मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो बाहर ही आ जाते हैं। बट ये वाला भी एक बढ़िया क्लब है मिस्ट क्लब, मतलब कि सुबह 6 बजे तक क्लब खुला रहता है, पार्टी करो एंजॉय करो। ये माहौल है यहाँ पर भाई, टूरिस्ट पुलिस रहती है हमेशा ये वाली जगह पे, अगर कोई दिक्कत हो जाए, जैसे हो रखी थी ना अभी दिक्कत, झगड़ा हो गया था अभी, तो मेरे को लग रहा सारे वहां ही गए हैं। अभी है नहीं यहाँ पर। ये देखो भाई लेगेसी बिग टूल, क्या बात है, ये लेगेसी बिग टूल टूल देखो मैं जो और यहाँ पर अभी थोड़ी सी रिलैक्स करेंगे हम, वॉक वूक करेंगे और ये हमारे भाई के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करेंगे। और बहुत दिन के बाद कम बैक हुआ है मेरा भाई, और ये वाले इस ब्लॉग को भाई शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। और आने वाले समय में मैं यॉश पार्टीज वगैरह भी करूँगा, और जो कि नाइट पार्टीज़ भी करूँगा, और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा काफ़ी लोग, जैसे कि यहाँ पर पार्टी कैसे कर सकते हैं वापस, क्योंकि जब मैंने पहले पार्टीज दिखाता था तो उस टाइम सिस्टम अलग था, अभी सिस्टम थोड़ा अलग है, अभी काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देखो भाई बीच रोड देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो देख सकते हो भाई कितनी भीड़ लगी हुई है बीच रोड पर। और यहाँ पर अभी बीच रोड पे मैं शूट नहीं कर सकता जाके ज़्यादा, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं उनकी प्राइवेसी होती है, तो मैं उनको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता। काफ़ी यूट्यूबर आते हैं यहाँ पर, करते हैं वो बनाते हैं, बट हमारा वो सिस्टम नहीं है, ये हमारा भाई घर है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि थाईलैंड, काफ़ी फैमिलीज भी देखती है मेरे व्लॉग, तो पता ही है थाईलैंड में भाई काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब थाईलैंड में नहीं है सिर्फ, काफ़ी जगह में है, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ में है, नाइट लाइफ तो सब में ही होती है।
तो नाइट लाइफ इंडिया में भी है, ज़्यादा ओपन नहीं है यहाँ पर, क्या है कि फ्रेंडली है, ज़्यादा ओपन है तो इसलिए ऐसा माहौल है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने, और आपको बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल के लिए बाय बाय, और नीचे आ रही है इंस्टाग्राम की आईडी, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलते हैं भाई, फिलहाल के लिए बाय बाय। ओके भाई।